स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, मटर पनीर। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और ये बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। टेस्ट बहुत सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बन के कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जी बनाना। ये देखिए, हमने दो प्याज लिए हैं, अदरक, लहसुन की कलियां, आधा किलो पनीर और एक कटोरी मटर है, दो तेज पत्ता है, एक चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, तीन लौंग, दो छोटी इलायची, एक टेबलस्पून काली मिर्च, दालचीनी। अब हम सारे मसालों को पीस लेंगे मिक्सर में डाल के एक साथ, और तेज पत्ता हम तड़के में डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मसाला पीस के तैयार कर लिया है सारा। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे हम तेज पत्ता। अब इसमें डालेंगे हम पीसे मसाले, इसको अच्छे से चलाएंगे, हम हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत जल्दी बन जाएगी, देखिए आप। फ्रेंड्स, 2 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, पिसे हुए 2 टमाटर हैं ये, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसको भी अब 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर भी हल्के से, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटर को भी हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, ये मैंने किचन किंग लिया है, धनिया पाउडर, नमक। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, आप देख नोट करेंगे तो मैंने ना इसमें लाल मिर्ची डाली है और ना ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्च डाली है, क्योंकि मैं कम तीखा बना रही हूँ। आपको तीखा करना हो तो आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम ढककर 5 मिनट मसाले को पकाएंगे धीमी आंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले पकने लगे हैं, एक बार इसका मावा चला देंगे। बस फ्रेंड्स, हमारे मसाले हो गए। अब हम इसमें डालेंगे अपना मटर और पनीर। पहले इसमें हम ऐड करेंगे अपने मटर। अब इसमें ऐड करेंगे अपना पनीर। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे हम। इसी तरीके से अच्छे से इसको मिला लेंगे हम। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। सब्जी, ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत जल्दी बन जाती है और देख खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप बच्चों को टिफिन में इसको बना के दीजिए, बच्चे बहुत चाव से खाएंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मिक्सर में हमने टमाटर पीसा था, उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाल के, अब यही पानी हम डालेंगे सब्जी में। और हम डालेंगे पानी, अगर आपको ज़्यादा बनने नहीं है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी ही बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा पानी डाला है मैंने। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देख आप देख सकते हैं मेरी सब्जी कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसको ढक के हम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इसको फ्रेंड्स, बनाने में ज़्यादा सब्जी बनकर तैयार है, लेकिन इससे पहले हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे ये सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा, वही 1 चम्मच देसी घी। जब आप इसको सब्जी में डालेंगे ना तो सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आज से सब्जी मंगाना भूल जाएंगे
आप हमेशा घर पे ही सब्जी बना खाएंगे। फ्रेंड्स ढक एक मिनट के इसको और ढक देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी हम। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी में कलर कितना अच्छा है और कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। देखिए आप देख सकते हैं, आप इसको चावल, पराठा, रोटी, पूड़ी किसी के भी साथ खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स चलिए हमारी सब्जी बन चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में और गैस को कर देते हैं ऑफ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनके तैयार है। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट।